तो दोस्तों इस फ्रेश वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में मैक मिनी M2 को दो डिस्प्ले के साथ कनेक्ट करके दिखाने वाला हूं। पहले डिस्प्ले जैसा कि आप जानते हैं वन प्लस की तरफ से 1080p का ये मॉनिटर है जो कि मैं इस मैक मिनी के साथ ही लिया था, और दूसरा जो डिस्प्ले है दोस्तों वो MI की जो TV है ये 4K डिस्प्ले है, और ये जो TV है मेरी ये 4K सपोर्ट करती है सारा कुछ। तो ये 4K डिस्प्ले के साथ इस मैक मिनी को कनेक्ट करने वाला हूं, और ये पूरा सेटअप है कीबोर्ड और माउस का है। उसके बाद HDMI वायर के थ्रू इस टीवी को कनेक्ट करके रखा हूं दोस्तों। उसके बाद अगर नीचे फिर से देखते हैं तो यहां से आप देख रहे हैं कि ये जो टाइप सी के द्वारा इस वन प्लस मॉनिटर को मैं कनेक्ट करके रखा हूं। तो इस तरह से दो सेटअप किया हूं, दोनों को कनेक्ट किया हूं। और दोस्तों यहां से मेन सॉकेट है, यहीं से बिजली गई है, और इस प्रकार से एक सेटअप तैयार हुआ है कीबोर्ड माउस मॉनिटर मैक मिनी और एक 1080p का और एक 4K डिस्प्ले का। ये मॉनिटर 43 इंच का है और ये जो है 24 इंच का है। तो ये दोनों को सेटअप में सारा कुछ चला करके दिखाने वाला हूँ। बिल्कुल ऑन हो चुका है और यहाँ से सारा कुछ देख रहे हैं, दोनों एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ ओके चल रहा है, बिल्कुल स्मूथली खुल रहा है। तो ऐसा खुलने और क्लोज में कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ मैं इसको ओपन कर देता हूँ एक साथ जैसा कि देख रहे हैं और बहुत कुछ। तो ये जो फर्स्ट डिस्प्ले है इसको मैं सेट करके रखा हूँ, यहाँ से सारा कुछ जैसा कि आप देख रहे हैं क्लोज ओपन हो रहा है। तो इसमें ये खासियत है कि आप दोनों डिस्प्ले में अलग अलग वॉलपेपर लगा सकते हैं, जैसा कि मैं दिखाया हूँ दोनों को अलग लगाया हूँ। यहाँ से सारा टास्क आप कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है कनेक्ट होने के बावजूद भी। दोस्तों डिस्प्ले के राइट साइड में भी कुछ चीज़ों को देख लेते हैं ओपन क्लोज करके। तो यहाँ सारा कुछ स्मूथली वर्क कर रहा है 4K मॉनिटर से कनेक्ट होने के बावजूद भी। यहाँ से कंट्रोल सेंटर वगैरह सब कुछ ओके चल रहा है। अब दोस्तों हम लोग उस डिस्प्ले की तरफ चलते हैं, तो इस डिस्प्ले में आ गए हैं और यहाँ से देख रहे हैं कि इसमें आने का तरीका क्या है। तो यहाँ से आपको माउस के कर्सर पर के तरफ किनारे में ले जाना है, उसके बाद आप दूसरे डिस्प्ले पर आ जाइएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ भी सब कुछ ओपन करके देख लेते हैं राइट साइड में, तो ये सारा कुछ काम कर रहा है बहुत ही स्मूथली। यहाँ से डॉक आ गया तो दोनों डिस्प्ले में आप इधर से उधर जा सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं। इसमें आप अलग टास्क कर सकते हैं, उसमें आप अलग टास्क कर सकते हैं, तो ये सुविधा दी गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं अगर इसमें भी ओपन करूँगा तो यहाँ ओपन होगा, तो ये दोनों कनेक्ट है, बहुत मज़ेदार है ये चीज़। यहाँ अगर ओपन कर रहा हूँ तो वहाँ हो रहा है, यानी कि इस डिस्प्ले में काम कर रहा हूँ तो नीचे वाला डिस्प्ले जो छोटा वाला है उसमें ओपन हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है वैसा कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ऊपर में ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ ओपन हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ही अच्छा ये तैयार किया है मैक मिनी की तरफ से। ये सारा कुछ सेटिंग करने के बाद ही ऐसा हुआ है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ उस डिस्प्ले में मैं जो काम करूँ वो हो तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसा कि देख रहे हैं कि अब दोस्तों अब क्या करते हैं कि इसमें यूट्यूब खोल करके देख लेते हैं 4K दोनों में चला करके कि दोनों में चलता है कि नहीं। तो यूट्यूब ओपन कर लेते हैं, यहाँ से ओपन करने के बाद दोस्तों कोई नो कॉपीराइट 4K वीडियो चला करके देख लेते हैं। तो ये वीडियो है नो कॉपीराइट 4K वीडियो, तो यहाँ से 4K पर सेटिंग कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी HD पर है, लेकिन इसको 4K में स्विच कर लेते हैं सेटिंग से। मैंने 4K सेलेक्ट कर लिया है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल शानदार वर्क कर रहा है, कोई लैग वगैरह नहीं है, बिल्कुल अद्भुत तरीके से ये काम कर रहा है। अब दोस्तों जो TV है 4K वाला डिस्प्ले उसमें ये 4K वीडियो चला करके देख लेते हैं तो वो कैसा चलता है। तो चलिए उस डिस्प्ले पर, और इस डिस्प्ले में आने के बाद हम लोग खोल लेते हैं यूट्यूब को। तो यूट्यूब पर क्लिक कर लेते हैं, और यूट्यूब ओपन होने के बाद दोस्तों इसमें भी कोई नो कॉपीराइट वीडियो सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसा कि ये है वीडियो, इस पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से 4K सेलेक्ट करने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये चलना शुरू हो गया है। ऐसा तो 8K लिखा हुआ है लेकिन नहीं, ये 4K ही है। इसका जो क्वालिटी बिल्कुल शानदार आप दिख रहे हैं, और देख रहे हैं कितना अद्भुत तरीके से कितना मज़ेदार चल रहा है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कोई लैग वगैरह नहीं है, बिल्कुल स्थिर और स्टेबल ये चल रहा है इसमें भी 4K, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से मैक मिनी की जो कैपेबिलिटी है आप देख रहे हैं कि ये दोनों तरफ से हैंडल कर लेता है, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। और बिल्कुल ये 8GB और 256GB वाला वेरिएंट है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आप लोग के भारी डिमांड पर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी। तो अगर नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय।